क्या राफेल एक शानदार लड़ाकू विमान है जो चीन और पाकिस्तान से युद्ध की स्थिति में वायुसेना की पावर बनेगा? पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बिगड़े हालत को नजर रखते हुए भारत को अपना एक कदम पहले ही आगे रखना होता है, क्योंकि भारत के सामने दो परमाणु शक्ति संपन्न देश है जिससे भारत को 24 आवर्स एक्टिव मोड पर रहना पड़ता है। तो आज की इस वीडियो में कंपैरिजन करके जानेंगे कि खतरनाक F-16 ज्यादा बेहतर है या दमदार राफेल खतरनाक है। F-16 की कौन सी खूबियां भारत को बेचैन कर रही है? क्या भारतीय वायुसेना में फ्रांस का राफेल फाइटर जेट शामिल होने के बाद देश की चिंता कम हुई है? दोनों की क्या खूबियाँ हैं? तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा देखो। आप देख रहे हैं फैक्ट्रिजन YouTube चैनल। रेडार सिस्टम। राफेल का मिसाइल सिस्टम सबसे एडवांस है। F-16 का रडार सिस्टम 84 किलोमीटर के दायरे में 20 लक्ष्यों को चिन्हित कर सकता है। वही राफेल का रडार सिस्टम 100 किलोमीटर के दायरे में एक बार में एक साथ 40 टारगेट डिटेक्ट कर सकता है। नंबर 2, रेंज। F-16 में लगने वाली मिसाइलों की रेंज अधिकतम 100 किलोमीटर है। वही राफेल में लगने वाली मिसाइलों की रेंज 150 किलोमीटर तक है। नंबर 3, इंजन। हाइट, वेट, स्पीड। F-16 में सिंगल इंजन लगा है। इसकी लंबाई 49 फीट 5 इंच और चौड़ाई 32 फीट 8 इंच है। F-16 अधिकतम 50,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भरने में सक्षम है। टेक ऑफ करते समय वजन 17,009.7 किलोग्राम है। F-16 फाइटर जेट एक बार उड़ान भरने के बाद 4,200 किलोमीटर तक की दूरी तय करने में सक्षम है। F-16 विमान की स्पीड 2,500 किलोमीटर प्रति घंटा है। F-16 विमान की मारक क्षमता करीब 2,000 माइल्स से भी ज्यादा है। F-16 विमान एक M61A 120mm मल्टीबैरल कैनन विद 500 राउंड 6 एयर टू ग्राउंड एक साथ ले जाने में सक्षम है। वही राफेल दो इंजन वाला लड़ाकू विमान है। 4.5V जनरेशन के इस लड़ाकू विमान को फ्रांस की कंपनी डसॉल्ट एविएशन ने बनाया है। राफेल की अधिकतम गति 2,222 किलोमीटर प्रति घंटा है। राफेल में फिट एक गन एक मिनट में 2,500 गोलियां दागने में सक्षम है, जो इसे बेहद घातक फाइटर जेट बनाती है। राफेल का कुल खाली वजन 10 टन है। टेक ऑफ वजन 24.5 टन है। राफेल की हाइट 5.3 मीटर्स, लेंथ 15.3 मीटर्स, विंग स्पैन 10.9 मीटर्स। वही F-16 की हाइट 5.9 मीटर्स, लेंथ 15 मीटर्स, विंग स्पैन 9.4 मीटर्स। नंबर 4, वेपन्स। अब बात करते हैं जेट के अंदर लगी मिसाइल्स की। राफेल लड़ाकू विमान में स्कैल्प क्रूज मिसाइल लगी है। साथ ही यह मिसाइल 500 किलोमीटर की दूरी तक हमला कर सकती है। इसे गेम चेंजिंग मिसाइल भी कहते हैं। राफेल का सबसे खतरनाक हथियार है स्कैल्प PL-15 एमराम मिसाइल, जिससे पड़ोसी दुश्मन देशों की हालत खराब हो जाएगी। पाकिस्तान के पास अमेरिका से खरीदा हुआ F-16 जेट को ठोकने में यह मिसाइल काफी है। अब बात करते हैं F-16 में लगी मिसाइलें के बारे में। तो F-16 जेट में अमराम मिसाइल लगी है, जो 100 किलोमीटर दूर जाकर हमला कर सकती है। ये मिसाइल किसी भी समय किसी भी मौसम में अपनी पूरी टक्कर से हमला करने में सक्षम है। नंबर 5, कॉम्बैट रेडियस। चलिए अब बात करते हैं कॉम्बैट रेडियस की, लेकिन उससे पहले मैं आपको कॉम्बैट रेडियस का मतलब बताना चाहता हूँ। कॉम्बैट रेडियस का मतलब वो मैक्सिमम रेंज जहाँ तक एक फाइटर एयरक्राफ्ट अपने पूरे वजन के साथ उड़ सकता है। से F-16 का कॉम्बैट रेंज फुल फ्यूल के साथ 4,200 किलोमीटर तक है। वही राफेल का कॉम्बैट रेंज फुल फ्यूल के साथ 3,700 किलोमीटर तक है। नंबर 6, अगर आप जानना चाहते हैं कि इन दोनों जेट का प्राइस कितना है तो बता दूं, F-16 के एक यूनिट की कीमत 14,600,000 से 18,800,000 डॉलर के बीच है। वही एक राफेल की कीमत करीब 673 करोड़ रुपए है। नंबर 8, पाकिस्तान के पास कुल 85 F-16 फाइटर जेट्स है। वही 2020 और 2022 के बीच भारत को अब तक 36 में से 35 राफेल मिल गए हैं। इस शानदार कंपैरिजन की तुलना में दोनों ही फाइटर जेट घातक है, लेकिन आपको कौन सा फाइटर जेट अच्छा लगा? आपको कौन सी वीडियो पर कंपैरिजन देखना है ये कमेंट कर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।